नमस्कार दोस्तों। दोस्तों भारत के भूगोल की ये क्लास नंबर हमारी 3 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि ये कौन कौन सी भर्तियों के अंदर पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम के लिए कितने इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन है दोस्तों, 60 के 60 क्वेश्चन किसी ना किसी भर्ती के अंदर पूछे जरूर गए हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो नए मित्र हैं पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है। अगर आप दीर्घकालीन कृषि करना चाहते हैं तो रासायनिक उर्वरक अगर आप खेत में डालते हैं तो उससे आप दीर्घकालीन खेती नहीं कर पाएंगे, इसलिए कौन से राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है दोस्तों। सिक्किम राज्य ने। ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत के उत्तर पूर्वी भारत के अंदर मिलते हैं दोस्तों, जहां पर 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है और 200 सेमी से अगर अधिक वर्षा होती है वहां पर आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, वर्ष 1980 में। एक नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव किसको कहा जाता है दोस्तों, डॉल्फिन गैंगेटिका को। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है दोस्तों। पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, इंपोर्टेंट एक आपका यहां पे रहेगा, ऑप्शन नंबर एक है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्यों है। क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का यहां पे मिलन होता है, इस वजह से यहां पे मत्स्य प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग कौन सा है दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पे सही रहेगा। यहां पे उद्योग नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शैक्षणिक विधि क्या होगी। चाहे प्राकृतिक वनस्पति हो चाहे वन्य जीव हो, इससे आप छात्रों को क्या कराना चाहते हैं, परिचित कराना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि। मित्रों जो सीटेट रीट यूपीटेट एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सही रहेगा विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल सवाना, ऑप्शन एक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। घास की जो भूमियां हैं उनमें से अमेरिकी है उनके मूल निवासियों का निवास स्थान कौन सी है दोस्तों, प्रेरीज दोस्तों, प्रेरीज है, ऑप्शन दो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस है। ब्राजील के अंदर जो कंपोस पाया जाता है वो एक घास है, एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है दोस्तों वो कंपोस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे के नाम से बुलाते थे, किस नाम से, काला सोना। रोमन जो साम्राज्य था उस समय काली मिर्च है उसकी इतनी मांग थी कि काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से
किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी भी अनावृत नहीं दिखते हैं। उनका कोई गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, मतलब सदाबहार रहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष दोस्तों ज्वारीय वन, सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वनों, जो ज्वारीय प्रकार के वन होते हैं उनमें पाया जाता है। पश्चिम बंगाल का सुंदर वन सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना दोस्तों। सीधा भी पूछा जा सकता है कि सुंदरी वृक्ष है उसके लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो पश्चिम बंगाल की सुंदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों का मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाता है? वनस्पति प्रकार की बात हो रही है, साथ में जलवायु परिस्थिति के आधार पर जो भारतीय वन है दोस्तों इनको कितने भागों में बांटा जाता है? पांच भागों के अंदर। ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृत क्षेत्र में पाया जाता है? सर्वाधिक अधिक क्षेत्र में कौन सा वन है जो पाया जाता है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। दोस्तों ऑप्शन तीन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, रोजवुड मोहगनी एनी तथा एबोनी किसके उत्पाद हैं? किसके उत्पाद है दोस्तों? ये सभी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के ये उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों की मुख्य प्रजातियां कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों की मुख्य प्रजातियां साइडर है, होलक है, केल है, तीनों के तीनों है जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार अर्ध सदाबहार वन है उनकी वृक्षों की मुख्य प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उनको मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। जो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। यहां पर औसत वर्षा, इनके लिए औसत वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में मैग्रोव वनों का विकसित क्षेत्र कौन सा है? बात किसकी हो रही है? मैग्रोव वनों का। तो मैग्रोव वन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है उसके अंदर पाए जाते हैं, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में आपके मैग्रोव वन पाए जाते हैं। तो चार नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा, ये सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग होता है? अगर कत्था बना रहे हैं तो आप किस लकड़ी का प्रयोग करेंगे? खेर की लकड़ी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और जो खेर होता है ना मित्रों, ये हमेशा सूखे जहां पर बहुत कम वर्षा होती है वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से भोजपत्र वृक्ष कहां पाया जाता है? भोजपत्र वृक्ष है ये हिमालय के अंदर पाया जाता है दोस्तों। और जो भोजपत्र वृक्ष होता है इसका प्राचीन समय में क्या काम होता था? कि इसको कागज की तरह काम में लिया जाता था। ऑप्शन आपका दो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग, जंगल की आग किसको कहा जाता है दोस्तों? जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। किसको? ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। इसको दोस्तों और उपनाम किससे जानते हैं? डाक या प्लास के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक यहां से इंपॉर्टेंट, जो साथी यूपी से देख रहे हैं उनके लिए, राजकीय पुष्प है यूपी के अंदर, प्लास को घोषित किया है दोस्तों। जो डाक है या प्लास है इसको राजकीय पुष्प यूपी के अंदर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? सर्वाधिक यानी समुद्र तल है उससे सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? देवदार। दोस्तों ये लगभग है जो समुद्र तल है उसकी 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर यह वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुंदरवन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पहले मैंने बता दिया था दोस्तों, सुंदरवन है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? मरुस्थल का राजा खेजड़ी। दोस्तों खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? सागौन तथा साल है ये किसके उत्पाद है? दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी पतझड़ी वनों के, सागौन और साल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में किस वृक्ष का बाहुल्य है? पश्चिमी जो हिमालय है उसके जो शीतोष्ण पेटी है उसके अंदर कौन से वृक्ष का बाहुल्य? देवदार का। और इससे सीधा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, जो मैंने पहले हमने पहले देख दिया, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष है? देवदार है। देवदार कहां पाया जाता है? पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सिनकोना का वन पाया जाता है? सिनकोना का वन असम में, पश्चिम बंगाल और केरल तीनों के अंदर सिनकोना का वन पाया जाता है। इसके साथ अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम इन सभी में सिनकोना पाया जाता है। यहां पे आपका सही रहेगा ये सभी चार नंबर ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सागवान का वन पाया जाता है? कौन से राज्य के अंदर सागवान का वन पाया जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में। एक नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। यहां पर आपको वनों को उनके स्थान के आधार पर सुमेलित करना है। देखते हैं पहला ऑप्शन सागौन वन। सागौन दोस्तों कहां पर पाया जाता है? मध्य भारत के अंदर। देवदार, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र के अंदर देवदार पाया जाता है। सुंदरी सुंदरवन में, और सिनकोना पाया जाता है हिमालय की तराई में। तो सही जो ऑप्शन रहेगा एक नंबर ऑप्शन 2, 4, 3, 1 सही रहेगा मित्रों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित यहां पे भी करना है दोस्तों, करते हैं सुमेलित। दोस्तों पहला है, अरुणाचल प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सह्याद्री, सह्याद्री के अंदर अल्पाइन। मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान के अंदर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, और तराई के अंदर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सुमेलित कीजिए। यहां पर भी हमें सुमेलित करना है दोस्तों, वन है और क्षेत्र दिया गया है, करते हैं सुमेलित। चलते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ, कच्छ वनस्पति सुंदर वन, पतझड़ वन राजस्थान में। सही रहेगा दो नंबर, 4, 2, 1, 3 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं तो तारीख कौन सी है? 30 जून, कल से है दोस्तों, कल से 7 दिन तक। लिस्सा प्राप्त होता है, लिस्सा कहां से? चीड़ के वृक्ष से। लिस्सा होता है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य हैं क्या? उद्देश्य हैं दोस्तों देश के 33% भाग पर वन लगाना, हां ये उद्देश्य है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, यह भी उद्देश्य है। पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, यह भी उद्देश्य है। 4 नंबर ऑप्शन ये सभी आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का अर्थ है? सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या है दोस्तों? पर्यावरण, समाज व ग्रामीण विकास में मदद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक वानिकी के वर्ग हैं? सामाजिक वानिकी के 3 वर्ग होते हैं दोस्तों। कितने? 3। कौन कौन से?
पहला है आपका वो है शहरी वानिकी, दूसरा है आपका वो है ग्रामीण वानिकी, तीसरा है आपका वो है आपका फार्म वानिकी। तो तीन है दोस्तों, शहरी, ग्रामीण और फार्म वानिकी। नेक्स्ट में चलते हैं, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? 33%। वन नीति के अनुसार 33% जो भारत का क्षेत्र है उस पर वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है कौन सा है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान दोस्तों, जो भरतपुर जिले में स्थित है राजस्थान के, ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है दोस्तों। दो नदियों के मध्य ये स्थित है दोस्तों, इससे दो नदियां हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, उनके बारे में राजस्थान वासियों से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक है बाणगंगा और दूसरी है गंभीरी नदी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवलादेव से, वो है कि यहां पर कौन है जो प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं? साइबेरियन सारस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य के अंदर? सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों मध्य प्रदेश के अंदर। एक नंबर ऑप्शन, राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर कितने हैं दोस्तों? 11 है। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन, नागार्जुन है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है और इसका क्षेत्रफल भी दो एग्जामों के अंदर पूछा है, 3,568 वर्ग किलोमीटर मित्रों, 3,568 वर्ग किलोमीटर। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? कहां पर है? बेनरघाटा जैविक उद्यान बेंगलुरु, यानी भारत का प्रथम तितली उद्यान बेंगलुरु में, नाम क्या है? बेनरघाटा जैविक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गेंडे कहां पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य के अंदर भारतीय गेंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में अवस्थित है तथा यह किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो दो नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है कहां पर? जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसका विस्तार है 3,162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जो जैसलमेर और बाड़मेर, राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर दो राज्यों के अंदर फैला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दाचीग्रामा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? दाचीग्रामा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से हंगूल या कश्मीरी हिरण है दोस्तों, वो दाचीग्रामा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें तेंदुए, हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग, हिमालय मारमोट, जंगली बिल्ली, लाल लोमड़ी, ये भी इसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं तो ये कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडे के लिए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है ये केरल के अंदर स्थित है दोस्तों। बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है ये, के जो आपका पेरियार है ये। नेक्स्ट में चलते हैं, किस वर्ष
प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973-74 में दोस्तों, बाघों को बचाने और उनके संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? मनार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गिल का वन शेरू के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात के अंदर। गिर का वन है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है? आपके गुजरात राज्य में। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत में जंगली गधे घोड़खुर निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? जंगली गधे भारत में कच्छ के रण के अंदर दोस्तों, जो गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, वन्य प्राणी अधिनियम कब पास हुआ? वन्य प्राणी अधिनियम कब पास हुआ था? 1972 के अंदर। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर मित्रों, 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस वर्ष प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर शुरू किया गया था दोस्तों, हाथियों को बचाने और उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। एक बार सभी मित्र अब कमेंट करके बता दें कि ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, जो नए साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।